जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर सोबिया असलम, डायरेक्टर एंड सीईओ एट लीडर्स फॉर एन एजुकेशन कंसल्टेंट फैसलाबाद। जी डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्योंकि दागिस्तान के बारे में हमारे पास बहुत ज्यादा क्यूरीज आती है कि मैडम हमने उसमें माइग्रेशन लेनी है, हमने एडमिशन करवाना है, इस तरह की काफी क्यूरीज रिसीव होती हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, हम आफ्टर एमडीकैट अप्लाई कर सकते हैं, ये वो इस तरह के काफी क्यूरीज जो है वो इसके लिए आ रही है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं वो दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में ले रहे हैं। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि उसकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कम फीस स्ट्रक्चर के साथ है। ठीक है, सबसे लोएस्ट फीस स्ट्रक्चर के साथ वो यूनिवर्सिटी है और ऊपर से वो है स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। ठीक है, पीएमडीसीए लिस्टेड है, तो इसलिए स्टूडेंट की अट्रैक्शन का इस वक्त मरकज बनी हुई है वो यूनिवर्सिटी, तो स्टूडेंट को काफी अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रही है। तो बच्चे बार बार ये पूछते हैं, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, आफ्टर एमडीकैट आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीट्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि अभी तक काफी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स अपनी अपनी सीट रिजर्व करवा चुके हैं जब से एमडीकैट डिले हुआ है। पहले 27 को था, फिर 10 सितंबर पे चला गया, तो तब से स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा उसकी सीट रिजर्वेशन स्टार्ट कर ली थी। उसका जो मतलब इसका जो वे आउट है वो ये है कि आप अपनी सीट पहले रिजर्व करवा ली, ठीक है, बाद में आपका रिजल्ट या जो भी एमडीकैट आपने व्हाटएवर देना है वो आपका साथ साथ चलता रहता है। एटलीस्ट आपकी सीट रिजर्व होगी तो आप टेंशन फ्री होकर अपना कोई भी काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी जैसी, अब आपको पता है इसके अंदर जो है वो टोटल टीचिंग फैकल्टी पाकिस्तानी है, ठीक है, और इसके अंदर आपको 3 टाइम हलाल फूड मिलेगा, पाकिस्तानी शेफ यहाँ पे हॉस्टल में आपको फूड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए कहीं पे भी अवेलेबल होगी कि आप एक तो मतलब कम फीस, बिकॉज आपको पता है डॉलर का रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हर बच्चे की विषय के कम फीस स्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी के अंदर हम जाएं तो कम फीस स्ट्रक्चर वाली यूनिवर्सिटी में सबसे पहले दागिस्तान ही प्रायोरिटी का मरकज बन रही है इस वक्त। तो मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, वो एडमिशन करवाना चाहता है, तो अपनी सीट रिजर्व करवाए लाजमी तौर पे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको पता पाकिस्तानियों की आदत है कि जब मतलब सर से पानी गुजर जाना है इन्होंने फिर भागम दौड़ शुरू करनी है, ऐसा ना करें बिल्कुल भी। जैसे कबरदीना बलकारिया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, ठीक है, आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते आज के बाद, तो सेम लाइक दैट इसी तरह कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, प्राइवेट की तरह सारा साल नहीं वो खुली रहती, ठीक है, उनको हमें ओबे करना पड़ता है। अब कबरदीनों की तो $1200 फीस थी पर सेमेस्टर, आज उसके एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, अब आप उसमें नहीं अप्लाई कर सकते टिल नेक्स्ट इनटेक। ठीक है, अब नेक्स्ट, क्योंकि और ये यूनिवर्सिटी जो है ये सिर्फ एक इनटेक लेती है, ठीक है, सेप्टेम्बर इनटेक, और नेक्स्ट ईयर भी ये सेप्टेम्बर इनटेक में एडमिशन लेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, अपना एडमिशन करवाना चाहता है, तो अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके अपनी सीट कम से कम रिजर्व करवाएं। जो सबसे ज्यादा बेसिक पॉइंट है वो है सीट रिजर्वेशन का, तो आप वो लाजमी करवाएं। ठीक है, बाकी प्रोसीजर बाद में चलता रहता है, कम से कम आप सेटिस्फाई हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो कि हमारी सीट रिजर्व हो चुकी है, अब हम टेंशन फ्री होके मतलब कोई भी जो काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।